संजना ने करण की ओर मुंह चढ़ाते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी उंगली करण की सीने पर से हटा ली। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे वो करण के साथ क्लियर कर लेना चाहती थी। अगले ही पल वो बोली, मुझे और अमित शर्मा को लेकर जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है करण। उसने करण की सीने पर आहिस्ता से मुक्का मारते हुए कहा, भविष्य में अगर तुमने मुझ पर कभी किसी से अफेयर करने का इल्जाम लगाया तो मैं तुम पर कोर्ट में मानहानि का दावा ठोक सकती हूँ, समझे तुम? संजना ने धमकी देने के अंदाज में करण से कहा। अमित शर्मा के जिक्र ने करण के चेहरे के भावों को तुरंत ही बदल दिया था। संजना और अमित के बीच बातचीत के दृश्य को करण बड़ी मुश्किल से भुला पाया था। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है, इसके लहजे में जेलेसी का भाव साफ सुनाई दे रहा था। मुझे तो लगता है तुम दोनों का रिश्ता काफी अच्छा जा रहा है, नहीं? अच्छा? हाँ बहुत अच्छा है। करण के चेहरे पर जेलेसी के भाव आते देख संजना ने करण के मुंह को चिढ़ाते हुए कहा, और फिर वो शांत होकर खुश होते हुए बोली, जब उसे पता चला कि हम दोनों के बीच बहस हुई है वो तुम्हारे बारे में मुझसे अच्छा ही बोल रहा था, वो हम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करना चाहता था। संजना की बात सुनकर करण के चेहरे पर कुछ देर के लिए सुकून के भाव आ गए थे, लेकिन फिर अगले ही पल वो भाव गुस्से में तब्दील हो गए, क्योंकि उसने तुरंत ही कड़ी आवाज में संजना से पूछा, और उसे ये कैसे पता चला कि हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है? उसे पता चल गया क्योंकि तुम बहुत ही निर्दयी हो मिस्टर करण ग्रोवर, तुम्हारे पास दिल नाम की चीज नहीं है। अगर होती तो क्या तुम मुझसे पूरा एक महीना बिना बात किए रह पाते थे? उस दिन जब मैंने चैंपियन टाइटल जीत लिया था तब मैं ये देखने के लिए पिछले गेट पर आई थी कि तुम मेरा हमेशा की तरह वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, शायद तुम मुझे लेने आए हो, मैंने यही सोचा था। मैंने खुद से वादा किया था कि अगर तुम वहाँ मुझे दिखते हो तो मैं अपना सारा गुस्सा भूलकर तुम्हारे साथ चली आऊंगी, लेकिन मैं काफी देर वहाँ खड़ी रही, तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। मैं वहाँ से निराश होकर जाने वाली थी कि वहाँ अमित शर्मा से टकरा गई। मेरे चेहरे पर निराशा और उदासी देखकर उसने गेस कर लिया था तुम्हारे और मेरे बीच में जरूर कोई खटपट है, इसीलिए वो मुझे दिलासा देना चाहता था। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात है, करण ने कटाक्ष करते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है। संजना को महसूस हो रहा था जैसे उन दोनों के बीच ये बात कहीं और कुछ और ही मोड़ लेती जा रही है। तो कौन ज्यादा अच्छा है, वो या फिर मैं? क्या बोलो, वो ज्यादा अच्छा है या मैं? संजना घबरा गई, मन ही मन खुद को दोष देने लगी कि आकर उसने अमित शर्मा का टॉपिक उठाया ही क्यों। फिर उसने अपनी बाहें करण के गले में डालते हुए कहा, तुम और कौन? अगर उसकी सूरत मुझे मेरी बहन की याद नहीं दिलाती तो दूसरी बार मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। संजना, हमें जीवन में हमेशा स्थिर ही रहना चाहिए, उसकी आवाज में असंतोष के भाव झलक रहे थे। संजना को लग रहा था जैसे अब वो रो ही पड़ेगी। साफ था कि ये करण ही था जिसने उस पर दूसरा अफेयर रखने का इल्जाम रखा था, जबकि वो निर्दोष थी और उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसके साथ धोखा किया जा रहा था। जो भी था, लेकिन इतना तय था कि संजना की कही बातों ने इस तरह का मोड़ नहीं लेना चाहिए था। जैसे कि संजना करण की बात का जवाब देने को हुई, करण की आवाज ने उसे रोका। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव या फिर बंदिशें नहीं डालना चाहता हूँ, बस मुझे तुम्हारा उसके साथ अकेले में मिलना पसंद नहीं है। आहूजा फैमिली के लोग कोई आम लोग नहीं है, और तुम आहूजास की फाइल पहले भी देख चुकी हो। उनके मशहूर होने के पीछे यही कारण है कि वो जो भी काम करता है उसे करने का उसका तरीका काफी खतरनाक है। संजना ने अपने होठों को खामोशी से कस लिया, वो अपनी निराशा को दबा नहीं पा रही थी। खैर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में और बात करने की जरूरत है। करण संजना के रवैये को देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो सोच रहा था कि कहीं उन दोनों के बीच कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। फिर उसने कठोर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए संजना से पूछा, तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? मैंने उसे पूछा था कि क्या वाकई में वो एक लड़का है। सच ही तो था, उसने उसे केवल एक ही सवाल तो पूछा था। ये सुनकर करण के चेहरे के भाव फिर से शांत हो गए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो हो ना हो वो तुम्हारी बहन ही है। करण की बात सुनकर संजना तुरंत ही उठकर बैठ गई।
तुमने कैसे पता लगाया वो वाकई में एक लड़की है ना कि लड़का? संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा था। जरूर ऐसा ही है जैसा कि उसने सोचा था। इतने नाजुक नैन नक्श वाला कोई भी इंसान आखिर लड़का कैसे हो सकता है? और संजना का दिल भी यही कहता था कि ना सिर्फ वो एक लड़की है बल्कि उसकी बहन भी है। मैं नहीं जानता कि वो एक लड़की है या नहीं। अब करण उठकर बैठ गया और संजना के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन अमित शर्मा के आने और तुम्हारी बहन के गायब होने का समय बिल्कुल एक सा है। उनका इस तरह से अचानक हम दोनों के बीच में आ जाना वाकई रहस्यमय है। इसके अलावा हमारे पास अमित शर्मा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। सोचा हूँ उसे जानते ही कितना है। उसका रहस्यमय बैकग्राउंड और उसकी शक्ल तुम्हारी बहन के मिलने की वजह से शक पक्का हो जाता है कि वो तुम्हारी बहन ही है। बस जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है वो है उसका जेंडर। यही बात संजना को भी काफी समय से खटक रही थी। करण की बात सुनकर संजना की भवें तन गई थी। सही कह रहे हो, वो एक लड़की है या नहीं यही तो मुख्य बात है। लेकिन जब मैंने उससे इस बारे में पूछा उसने यही कहा कि वो लड़का है तो वो मेरी बहन कैसे हो सकती है। तुम वाकई में बहुत भोली हो संजना, करण ने संजना की नाक को दबाकर उसे छेड़ने के अंदाज में कहा। अगर वो खुद सबके सामने एक मर्द के रूप में पेश करना चाहती है तो वो क्या राज यूं ही सबके सामने जाहिर कर देगी? और फिर अगर वो तुम्हारी बहन ही है तो तुमने कभी सोचा कि वो एक लड़की की तरह खुद को पेश क्यों करेगी? संजना ने हामी में अपना सिर हिलाया। हाँ मैंने सोचा था, लेकिन शायद इसलिए हो सकता है कि जब और भी लोग उसके आसपास होते हैं तो मुझसे गलती से कहीं ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो मुझे नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसा कुछ जिससे उसका भेद खतरे में पड़ जाए। लेकिन जब मैंने उसे वो सवाल पूछा था तब वहाँ पर मेरे और उसके अलावा कोई और तीसरा इंसान मौजूद नहीं था। अगर वो वाकई में मेरी बहन होती तो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? उसकी असलियत मुझसे छिपाने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। अगर वो तुम्हारी बहन है तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि आखिर उसकी गुमशुदगी के पीछे क्या कारण है। लेकिन वो तो खुद के बारे में अच्छे से जानती होगी ना, और एक बार के लिए मान भी ले उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसे में उसे लगता होगा कि उसे किसी चीज या किसी इंसान से खतरा है, इसी वजह से उसने अपनी पहचान एक मर्द के रूप में बदल ली है जिससे कि वो अनजान खतरों से खुद को बचा सके। वैसे भी तुम उसे अभी सिर्फ कुछ ही दफा मिली हो, ऐसे में तुम पर भरोसा करने के लिए उसके पास बहुत से कारण नहीं है। पर फिर भी उसके लिए एक आउटसाइडर ही हो तुम। जो उसकी जगह पर अगर तुम होती तो तुम क्या करती? मैं होता तो तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता। करण की बातें सुनकर संजना के दिमाग में उलझने बढ़ती चली जा रही थी। उसने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन मैं कोई बाहरी व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं उसकी बहन हूँ। अगर वो वाकई में मेरी बहन है तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना, कि मुझे शक की नजरों से देखना नहीं चाहिए। पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि जब कोई इंसान कोमा में होता है उसे थोड़ा बहुत होश तो होता है। भले ही अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और उसे मेरा चेहरा याद ना रहा हो, मेरा नाम तो नहीं बदला ना? मेरा नाम अभी वही है, मेरे नाम से कम उसे मुझे पहचान लेना चाहिए। और अगर उसे ये भी याद नहीं रहा तो? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। डॉक्टर ने कहा था अगर कोई इंसान लंबे समय तक कोमा की स्थिति में रहता है तो इस वजह से उसे दिमागी नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान इंसान के मस्तिष्क पर उस हिस्से पर भी पड़ सकता है जहाँ हमारी यादें होती है। इसी वजह से जब कोई कोमा से बाहर आता है तो वो ये सब भूल चुका होता है कि वो खुद असलियत में भी कौन है। इस बारे में सोचो, एक इंसान जो 7 सालों तक कोमा में रहा हो उसकी याददाश्त भी 7 साल पहले की होगी ना, ना कि वर्तमान की। करण ने संजना का हाथ थामकर अपनी बात जारी रखी। और फिर हम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी बहन गुमशुदा हुई तो कैसे। अब अगर वो खुद ब खुद गुमशुदा दिखाना चाहती है और वो तुम्हारी बहन ही है तो मैं तुम्हें उसके सामने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में इस तरह से खुलासा करने की इजाजत नहीं देता। कम से कम तब तक जब तक कि हम एक बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते और सारी सच्चाई का पता नहीं लगा लेते। मुझे डर है ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अभी तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम उस पर किसी भी तरह का शक जाहिर ना करो। संजना का सर घूम रहा था। अपनी बहन को लेकर जो कुछ भी संजना ने सोचा था वो अचानक से काफी जटिल होता जा रहा था।
फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि करण की बात में सच्चाई हो सकती है। तो फिर अभी हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ भी तुम अंदाजा लगा रहे हो उसका आधार तो यही है कि अमित शर्मा वास्तव में मेरी बहन शालिनी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी इस बारे में खोजबीन जारी है। कहते हुए करण के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, जिसे सुनकर संजना का सारा जोश जाता रहा। वो निढाल होकर बेड पर पसर गई थी। करण ने संजना के माथे को दिलासा देने के लिए चूमते हुए कहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से निराश और उदास हो जाओ। मैं निराश नहीं हूँ, संजना मुस्कुराई, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि अगर वो मेरी बहन है तो अगर मैं उससे आगे मिलती हूँ या नहीं मिलती हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर समीरा राजवंश ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी आईने में खुद की इमेज को निहारे जा रही थी। उसके सुंदर गोरे चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर यूं ही खुद को ताकते रहने के बाद उसने हाथ उठाकर अपने चेहरे को छुआ। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। इस मुस्कान के पीछे का राज ये था कि अगर वो अनामिका खन्ना और संजना अरोड़ा को एक दूसरे के खिलाफ करने में कामयाब होती है तो वो दो और झन्नाटेदार तमाचे खाना और टॉयलेट बॉल का पानी पीने की कगार तक पहुँच जाना सार्थक हो जाता। आखिरकार अनामिका एक राजवंश थी, उसे इस तरह किसी बाहरी लड़की के खासकर दुश्मनों के साथ दोस्ताना बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। इतने में ही उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और समीरा राजवंश की माँ अनीता राजवंश भीतर आई। जैसे उसकी नजर समीरा पर पड़ी उसका ध्यान समीरा की चोटों पर गया। उसके पैर जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे। उसने समीरा के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ मेरी बच्ची? उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था। चेहरे की आभा काले अंधेरे में बदल चुकी थी। उसने अपनी माँ के हाथ को परे हटाते हुए कहा, मार खाकर आई हूँ, ये हुआ है। किसने ये किया? तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अनीता राजवंश ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर दुनिया जहान का गुस्सा उभर आया था। मुझे बताओ ये किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संजना अरोड़ा, ये नाम सुनकर अनीता राजवंश हक्की बक्की रह गई। अगली पल उसके चेहरे पर छाए गुस्से के भाव चिंता में बदल गए। क्यों, आखिर हुआ क्या? हुआ क्या है? क्या आप लोगों को नहीं पता कि उनकी नजदीकियां संजना से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? किसकी? अनामिका खन्ना। कहते हुए समीरा के चेहरे से दुनिया भर का गुस्सा टपक रहा था। उसकी आंखें अपनी माँ को ऐसे घूरे जा रही थी जैसे अगले ही पल उसकी आंखों से निकली ज्वाला उसकी माँ को वहीं पे भस्म कर देगी। आप लोगों ने कभी सोचा है उनकी और संजना की नजदीकियों का हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? तो यही वजह थी जो तुम्हें वो सब नाटक करना पड़ा ताकि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए? अनीता राजवंश ने समीरा की ओर दया भाव से देखा। शुक्र था कि समीरा के घाव बहुत गहरे नहीं थे, छोटे मोटे थे। आखिर वो एक लड़की थी, अगर उसके चेहरे पर या शरीर पर गहरे घाव रह जाते तो उसके लिए आगे समस्या पैदा कर सकते थे। अगर पिताजी किसी काम के होते तो मुझे ये खतरा उठाते हुए इस तरह से अपने शरीर को किसी के सामने पेश नहीं करना पड़ता कि वो जैसे चाहे इसकी मरम्मत कर सके। समीरा राजवंश ने अपनी कोहनियों को टेबल पर रखते हुए अपना सर थाम कर कहा, इतनी बड़ी राजवंश फैमिली में केवल उसके पिता ही थे जिन्होंने अपने परिवार का नाम ऊंचा करने के लिए कुछ नहीं किया था। ऐसा शायद इसीलिए था क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें बहुत ज्यादा ही लाड प्यार से पाला था, या फिर ये उनके खून में ही था। समीरा के दूसरे नंबर के चाचा और छोटी बुआ असाधारण क्षमताओं के स्वामी थे। अपने काम में वो माहिर थे और उसके बेकार पिता मनमौजी और गुड फॉर नथिंग किस्म के इंसान थे। इतने सालों में एक फालतू और बेकारी का जीवन जीने की वजह से राजवंश परिवार के मुखिया की नजरों में उनकी इज्जत बेहद ही खराब हो चुकी थी और वे उनसे नाखुश थे। समीरा राजवंश को इस बात की खुशी थी कि उसे और उसके भाई को उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, मास्टर राजवंश ने। उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसे कुछ ऐसी बातें भी पता थी जो उन्हें पता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही होती और आज वो किसी गरीब बस्ती में रह रही होती। आखिरकार एक इंसान का रवैया उनके परिवार के सदस्यों के प्रति जैसा होता है वैसा किसी बाहरी व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और किसी दुश्मन के प्रति तो उससे भी अलग।
अनामिका राजवंश कड़े शब्दों में बोली, पिछली बार हमें उस मुसीबत को ऐसे छोड़ देना चाहिए था, उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था। अगर हमने किया होता तो आज हमें इस तरह की तकलीफों से होकर गुजरना नहीं पड़ता। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, क्यों ना हम। ऐसा कहते हुए अपना अंगूठा अपने गले पर चलाकर समीरा की ओर देखते हुए इशारा किया, आपको लगता है कि हम अभी भी पुराने समय में हैं? समीरा ने अनीता की बात को बीच में काटते हुए कहा, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आपको वाकई लगता है कि पुराने जमाने की तरह आज भी एक झूठे एक्सीडेंट का ड्रामा करना इतना आसान है? और फिर संजना अब ग्रोवर परिवार की बहू बन चुकी है, अब वो सड़कों पर रहने वाली कोई आम लड़की नहीं रह गई है। अगर संजना को जरा से भी खरोंच आती है तो करण ग्रोवर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर वो ऐसी कोशिश करेगा तो इतना जान लीजिए कि वो सच्चाई को तह से निकाले बगैर मानेगा नहीं। समीरा की बात सच थी। संजना पर आंच आने पर करण दुनिया इधर से उधर करने की कुव्वत रखता था, लेकिन अगर राजवंश परिवार की ओर से उतावलेपन में कोई गलत हरकत की जाती तो उसका अंजाम बेहद ही बुरा हो जाता, और समीरा या उसकी माँ कोई भी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मैं तो भूल ही गई थी, वो चुड़ैल अब ग्रोवर परिवार की बहू बन चुकी है। मैंने कभी सोचा नहीं था उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वो ग्रोवर घराने में अपनी बैठ बना लेगी। सच में ये रोशनी मेहरा किसी काम की नहीं थी। हमने उसकी क्या कुछ मदद नहीं की, और उसकी मदद करने के बावजूद हमें मिला तो क्या ग्रोवर परिवार की ओर से खतरा। अनीता राजवंश के कहे गए शब्द समीरा के कान में पिघले शीशे की तरह पड़ रहे थे। कांच में अपने अक्स को देखते हुए वो गुस्से से लाल पीली होती चली जा रही थी। वो अभी भी श्योर नहीं थी कि गोल्फ क्लब के टी हाउस में किए गए उसके ड्रामे का कोई फायदा भी हुआ था या नहीं। अनामिका के मन में संजना को लेकर कोई मनमुटाव पैदा हुआ भी था या नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए समीरा फिल्म के सेट पर पहुंच गई, जहां अनामिका अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रही थी। जब समीरा स्टूडियो सेट पर पहुंची, तब अनामिका का शूट चल रहा था। अनामिका खन्ना की असिस्टेंट ने समीरा से रेस्टिंग लाउंज में रुककर इंतजार करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन समीरा के जोर देने पर वो उसे दूसरे स्टूडियो में लेकर आ गया। वहीं रुककर कुछ देर उसने अनामिका को एक पुराने जमाने के कपड़े पहने शॉट देते हुए देखा। वो एक मेल एक्टर के सामने खड़ी हुई थी। ठंड का मौसम होने के बावजूद उन्होंने शूट के लिए पंखे चालू करके रखे थे। शॉट की जरूरत के लिए ऐसा करना जरूरी था। इतनी तेजी से चलते पंखे की हवा से किसी का भी शरीर जम जाएगा। और फिर उन्होंने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे अभिनय करना था कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। समीरा राजवंश के बगल में बैठी अनामिका का असिस्टेंट उसे शूट हो रहे सीन को एक्सप्लेन कर रही थी। अनामिका फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में थी, और उसके सामने खड़ा एक्टर सेकंड मेल लीड था। बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग। उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, लेकिन कहानी की मुख्य पात्र ने उसे ठीक कर दिया था। अभी जो सीन ये लोग शूट कर रहे थे उसमें कहानी के मुख्य किरदार को उसकी चोट ठीक करने के बाद पैरों का एनालिसिस करना था। समीरा राजवंश ने उस सेकंड मेल लीड की ओर देखा। उसने लंबी सी सफेद पोशाक पहनी थी। व्हीलचेयर पर बैठे वो इत्मीनान से हवा खाते हुए सामने अनामिका खन्ना की ओर देख रहा था। उसकी नजरों से एक बेफिक्री सी झलक रही थी। अचानक ही वो उस दिशा में पलटा जिस दिशा में समीरा राजवंश खड़ी हुई थी, और उसी पल में समीरा जैसे बुत में बदल गई। उसका दिमाग सन्न रह गया था। ये सेकंड मेल लीड उस शालिनी शर्मा की तरह क्यों दिख रहा था? उसने पहले एक बार बेहोश शालिनी शर्मा को देखा था। उसका लुक 7 साल पहले उसके स्कूल के समय के लुक की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं बदला था। शायद ऐसा कोमा में जाने की वजह से हुआ था। अपना सर झुकाकर समीरा कुछ सोचने लगी। जब उसने सर उठाकर देखा तो अनामिका स्टूडियो से बाहर जा रही थी, जबकि वो दूसरा एक्टर अभी भी वहीं रुका हुआ सीन पूरा कर रहा था। उसकी एक ही नजर ने दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। उलझन में ही वो अपने गले में लटके जेड पेंडेंट को अपनी उंगलियों से चलाने लगी थी, और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक सीक्रेट मुस्कान आ गई थी। हालांकि उसकी आंखें उसके भीतर बड़े दुख के भाव को छिपाने में नाकाम हो रही थी। अनामिका खन्ना जिस दिशा में गई थी उस ओर देखते हुए समीरा की आंखों में निराशा के भाव थे। कट। कुछ देर के बाद डायरेक्टर ने तारीफ करते हुए सीन ओके किया। नॉट बैड, ये सीन काफी अच्छा रहा।
सभी छोटी से छोटी चीज बहुत ही खूबसूरती से सीन में आई है। सभी लोग थोड़ा आराम कर लो, फिर अगले सीन पर आते हैं। समीरा ने उस एक्टर की ओर देखा जो कि रेस्टिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर उदासी के साथ ही निराशा के भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शालिनी शर्मा के चेहरे पर उसने देखे थे जब वो बिल्कुल ही बेबस और लाचार थी। वो कौन था? आखिर में वो था कौन? समीरा के बगल में अनामिका के असिस्टेंट अपने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर मंत्रमुग्ध सी अमित को देख रही थी। कितना हैंडसम है वो, और उसकी एक्टिंग स्किल्स तो बस कमाल की है। अगर इसके बावजूद भी उसे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती तो भगवान भी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समीरा राजवंश ने पलटकर अनामिका की असिस्टेंट को देखा जो कि अमित शर्मा को निहारे जा रही थी। उसने अपने दिमाग में चल रहे तमाम ख्यालों को बाहर फेंका और खुद को संभालते हुए अनामिका के असिस्टेंट की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोली, अनामिका आंटी के साथ काम करने वाला ये प्रिंस चार्मिंग कौन है? कितना आकर्षक और सुंदर दिखता है। एक पल को तो मुझे लगा जैसे वो लड़का नहीं एक लड़की है। समीरा के मुंह से उस एक्टर के बारे में सुनते ही अनामिका की असिस्टेंट अमित के ख्यालों में डूब सी गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने तुरंत ही उसका परिचय समीरा को कराते हुए बोला, उसका नाम अमित शर्मा है, इंडस्ट्री में नया आया है, वो उसका पहला काम है। लेकिन अफवाह ये है कि वो किसी एक्टिंग स्कूल या फिर किसी एक्टर या एक्ट्रेस के दम पर इंडस्ट्री में नहीं आया है। हालांकि उसकी एक्टिंग स्किल्स तो आपने देखी ही नहीं, लाजवाब है। बेशक उसे बाकी नामी एक्सपीरियंस्ड और सफल एक्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी उम्र और एक्सपीरियंस रखने वाले किसी भी एक्टर की तुलना में वो बेहद ही अलग और जबरदस्त एक्टर है। और भले ही उसका लुक काफी नाजुक सा दिखता है, लेकिन उसमें जरा सी औरतों वाली कोई भी गुण या लक्षण नहीं है। लेकिन वो तो अभी काफी यंग भी है। नहीं, कुछ तो शायद ये अगले 2 सालों में कुछ मर्दाना दिखाई देने लगेगा, मुझे यकीन है। मर्द? उस शब्द का जिक्र आते ही समीरा राजवंश के मन में कुछ हद तक शांति छा गई थी। लेकिन एक मर्द की शक्ल शालिनी शर्मा से भला इतनी कैसे मिल सकती है? इसके अलावा समीरा ने शालिनी शर्मा के कोने को लेकर खोजबीन के नाम पे किसी को लगाया भी नहीं। लेकिन शालिनी ऐसे गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। कहीं शालिनी के गायब होने के पीछे यही कारण तो नहीं था कि वो एक मर्द के रूप में रह गई थी? अनामिका खन्ना समीरा को अपने स्टूडियो में देखकर काफी सरप्राइज लग रही थी। समीरा ऐसी जगह पर पहले भी आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ जो उसे वहाँ आना पड़ा? इसके अलावा उसने खुद से ये भी कहा था कि भले ही वो दोनों रिश्ते में बुआ और भतीजी थी, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नहीं थी। लेकिन कोई कारण जरूर था जब समीरा राजवंश पिछले काफी समय से उसके साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताने लगी थी। खासकर संजना के आने के बाद से तो ऐसा होना शुरू हो ही गया था। इसी वजह से अनामिका खन्ना को महसूस होने लगा कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। किस गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो रही है? अनामिका ने दोनों की ओर बढ़ते हुए हंसकर सवाल किया। मैं मैडम को अमित शर्मा के बारे में बता रही थी, अनामिका की असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए थर्मल फ्लास्क अनामिका की ओर बढ़ाते हुए जवाब दिया। अनामिका की आदत थी सर्दियों में शूट के वक्त सादा पानी पीने की। अनामिका फ्लास्क लेकर उससे पानी पीते हुए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ने लगी। रूम में पहुंचते ही उसने समीरा से पूछा, तुम उस अमित शर्मा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? समीरा राजवंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो काफी हैंडसम लगा मुझे। ये सुनते ही अनामिका की असिस्टेंट अपने उत्साह को दबा ना सकी और बोल पड़ी, हाँ सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि वो एक्टिंग में भी काफी अच्छा है, आगे चलकर काफी नामी और बड़ा एक्टर बनेगा। अनामिका अपनी असिस्टेंट की बात से इत्तफाक रखती थी, इसीलिए उसने अपना सर हामी में हिलाया। बिल्कुल बनेगा, वो एक नेचुरल एक्टर है, लेकिन ऐसा इसीलिए भी हो सकता है कि वो रोल उसके लिए सूटेबल भी है और काफी हद तक उसके प्राकृतिक स्वभाव से मेल खाता है। वो असल मेन हैंडसम पीरियड कॉस्ट्यूम में ही दिखाई देता था। हालांकि ये एक नया कैरेक्टर था, पर निश्चित तौर से इस रोल के लिए काफी सुर्खियां बटोर सकता है। लेकिन इस बात के लिए ये जरूरी था कि वो समय से पहले की हिम्मत ना हारे। हालांकि उसने अब तक हुई अनामिका की बातचीत के आधार पर वो ये कह सकती थी कि उस लड़की का EQ काफी हाई था, एक 18 वर्ष के लड़के की तुलना में काफी ज्यादा। एंटरटेनमेंट की दुनिया निश्चित रूप से एक ऐसी जगह है जहां हर कोई एक दूसरे को रौंदने के लिए तैयार बैठा होता है, और ये बात तो कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बताई जा सकती। चारों ओर राजनीति और साजिश।
अगर किसी का ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ना हो तो उसे तुरंत ही रौंद दिया जाता है। इस बात के अलावा कि उसके पीछे इन्वेस्टर और स्पॉन्सर का हाथ भी है, जिन्हें वो अपने साथ ही लेकर आया है। उसके साथ और कोई कमी नहीं थी। विनम्र और लो प्रोफाइल, जिस तरह से वो चीजों को संभालता था, वो काबिले तारीफ था। वो एक युवा लड़का था जिसकी समझ अपने आसपास की चीजों को लेकर काफी गहरी थी। वो एक नौसिखिया एक्टर था। इस बात ने उसे सबकी नजरों में और भी ज्यादा उठा दिया। जब से उसने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब से काफी लोग उससे जेलस फील करने लगे थे, लेकिन इन सब का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे लोग उसके मुंह पर उसकी बुराई करते हों या उसके पीठ पीछे। ऐसा जरूर इस वजह से था क्योंकि बाकी लोग उसे पसंद करते थे, या फिर इस वजह से लोग उसके साथ किसी भी तरह मुसीबत मोल लेने से डरते थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो काफी कम समय में उसने जो कुछ भी हासिल किया था, वो छोटी बात नहीं थी। मैं जानती हूँ कि रौनक नए लोगों को मौका देना पसंद करता है। अगर वो अमित शर्मा को मौका देता है तो कितना अच्छा होगा, अनामिका के असिस्टेंट ने बात सुझाते हुए कहा। बेशक इसमें अमित को काफी मदद मिलेगी, अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। समीरा उन दोनों की बात सुनकर बेचैन हो रही थी। कोई तो कारण था जिसकी वजह से ये उम्मीद कर रही थी कि अमित शर्मा वास्तव में शालिनी ना निकले, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उन दोनों के एक ही शख्स होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वो वाकई में अमित ना होके शालिनी होती, या फिर कोई रिश्तेदार जिसका संबंध संजना से होता, और अगर रौनक उसे साइन कर लेता, तो संजना अरोड़ा और रागिनी राजवंश के बीच रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे अमित के असलियत के बारे में पता लगाना ही होगा। आंटी, आप मुझे अमित से मिलवा सकती हैं? समीरा राजवंश के चेहरे पर झिझक भरी मुस्कान थी, हालांकि उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो ये दिखाना चाहती थी कि अमित के चार्म और उसके लुक्स पर एक जवान लड़की फिदा हो चुकी है। अनामिका की आईब्रोज तन गई थी। एक बार फिर वो समीरा की हरकत से हैरान थी। आखिरकार समीरा उसकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के रह चुके थे, और उनकी गिनती तो खुद समीरा को भी याद नहीं थी। इसके अलावा समीरा राजवंश उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी मर्द के लुक या फीचर्स के आधार पर उनको पसंद करती हो या ना पसंद करती हो। अमित के प्रति अट्रैक्ट होना कोई आम बात नहीं थी। जब वो उस सेट पर आया था, सेट पर मौजूद हर एक लड़की उसके प्रति अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन उस दिन संजना खास तौर पर उसके बारे में जानने के लिए अनामिका के पास आई थी, और तब उसकी भतीजी भी सिर्फ एक नजर पाने के बाद से अमित में इंटरेस्टेड थी, जबकि उन दोनों में से एक शादीशुदा थी और दूसरे का मंगेतर है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों के रिश्ते काफी सही नहीं चल रहे थे। इसके बावजूद भी दोनों को एक ही समय में एक ही लड़के में इतनी रुचि आ गई। अनामिका को सब कुछ गड़बड़ लग रहा था, ऐसा आभास हो रहा था उसे। उसके बाद अनामिका समीरा को अमित शर्मा से मिलवाने के लिए उसके पास लेकर गई। वो अमित के साथ एक बार स्क्रिप्ट डिस्कस करना चाहती थी। अमित पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर था। इतनी ठंड में पंखे के सामने रहते हुए शॉट देना उसे बर्दाश्त से बाहर था। हर एक शॉट के बाद उसे अदरक का बना हुआ काढ़ा पीना पड़ता था जो कि उसके शरीर की ठंड को भगा सके। हालांकि उसका स्वाद बहुत ही बेकार था, लेकिन वो काफी असरदार था। कम से कम उसे पीने के बाद उसे हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ता था। अपने फिल्मिंग शेड्यूल की ओर देखते हुए वो अपने स्नैक्स का आनंद ले रहा था कि तभी किसी ने उसके रूम के दरवाजे को खटखटाया। अमित के भीतर आने की अनुमति देने के बाद उसने देखा कि दरवाजे से अनामिका एक अनजान लड़की के साथ दाखिल हो रही थी। अमित शर्मा, आप बिजी तो नहीं है? मैं आपके साथ अगला सीन डिस्कस करने के लिए रिहर्सल करना चाहती हूँ, अनामिका खन्ना ने पूछा। जरूर जरूर, अमित ने मुस्कुराते हुए अनामिका को जवाब दिया, और फिर उसकी नजरें बगल में खड़ी समीरा की ओर दौड़ गईं। उसे देखते ही समीरा राजवंश ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, हेलो, मैं समीरा राजवंश हूँ, अनामिका जी की भतीजी। मैं यहाँ उन्हीं से मिलने आई थी, तभी मैंने आपको देखा इनके साथ शॉट करते हुए। कहना होगा आपका अभिनय काबिले तारीफ है। अमित शर्मा समीरा को देखकर मंद मंद मुस्कुराया और उसने दोनों को बैठने का इशारा किया। समीरा राजवंश फिलहाल इतनी जल्दी बैठने के मूड में नहीं थी। उसने खड़े खड़े ही अमित को अच्छी तरह से निहारा, इस तरह की जैसे कोई फैन अपने आइडल को देखता है। उसने शर्माते हुए अमित से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम साथ में एक सेल्फी ले सकते हैं? अमित शर्मा ने मना करते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे अफसोस है लेकिन हमने सेट के सीक्रेट बना रखे हैं। एक सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। क्यों अनामिका जी? जी,
बिल्कुल किया हुआ है, अनामिका ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ये सुनते ही अनामिका के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन उसने तुरंत ही बात संभालते हुए कहा, तो भी ठीक है, शूट खत्म होने के बाद कहीं और जाकर तो ले सकते हैं ना। अमित मुस्कुराया, बिल्कुल मुझे काफी खुशी होगी। इसी के साथ उसने अनामिका खन्ना की ओर देखा और स्क्रिप्ट डिस्कस करने लगा। हालांकि उसने समीरा से उसके बाद कोई बात नहीं की, लेकिन वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। समय समय पर वो उसकी ओर देखता और मुस्कुरा रहा था।